सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर पहुंचे। सबसे पहले बाबा बटेश्वर का रुद्राभिषेक कर लिया आशीर्वाद। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। 148 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। हेलीकॉप्टर सेवा का भी बटेश्वर से करेंगे शुभारंभ। 3 दिवसीय अटल कृषि मेला व प्रदर्शनी का भी करेंगे शुभारंभ। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। मंच पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत कई मंत्रीगण मौजूद। अपना सौभाग्य है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2 कार्यकाल लोकसभा में उनकी सरकार के साथ मुझे रहने का अवसर मिला और इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में सीखने को मिला। और निश्चित तौर से वो एक आजाद शत्रु थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनकी अच्छी योजना थी जिसमें हिंदुस्तान के हर गाँव को सड़क के जो जोना पैलेटिन कहा था कि वो पैसे वाला देश है अमरीका, इसलिए नहीं उसने सड़कें बनाई, पहले उसने सड़कें बनाई इसलिए वो पैसे वाला देश है। आज चतुर्भुज योजना जो आप देख रहे हैं देश में बड़े बड़े हाईवे, उसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और अपना सौभाग्य है कि बटेश्वर से उनका गहरा रिश्ता है और आज मुख्यमंत्री जी जो 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जात वर्ग क्षेत्र धर्म के तत्व का सम्मान नहीं करता, वो आगे बढ़ता है। ऐसी जयंती जो आज हो रही है इससे आजों की आती है, पहले से सोच में होती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से हथियार मिलती है, हथियार ऐसी जगह 25 दिसंबर को बहाल का समय हो सकता है। सर, हवाई यात्रा की भी शुरुआत हो रही है ऐसे आज से जो तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी और ऐतिहासिक स्मारक जो आपको भी नहीं लगता उसके लिए 2 सप्ताह विश्व का कोई भी देश पर्यटन की दृष्टि से यद भारत आता है तो आगरा जरूर जाता है। रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है इसके, मेरी अपनी ही लोकसभा में एक्सप्रेस वे से पीछे उसका भी आज शुभारंभ हो रहा है।